15 साल पढ़ लिख कर 15,000 का नौकरी नहीं मिलता है, कितनी मुश्किल से 15,000 की नौकरी मिलता है। अरे प्रधानमंत्री, अब उस घड़ी टाइम आएगा, उस घड़ी देखेंगे पूरे देश के लोग कैसे खा रहा है, सब कमा रहे हैं, देखिए सब ड्यूटी से जा रहे हैं। ये थोड़ी ना रोजगार नहीं है, बहाना बना दो कितना रोजगार देगा। हार की खीस है, हार जाएगी ना विपक्ष वालों, इसकी खीस है, करेगा क्या? मोदी जी के आगे कोई नहीं है। कौन चाहिए? मोदी 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 क्या? मोदी जी, मोदी 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 मोदी। पीएम कौन? चल मोदी। क्या नाम है आपका? वसीम अंसारी। अच्छा, कैसे लग रहा है देश में, सरकार कैसे काम कर रही है, ठीक ठाक हो, खुशहाल हो? ऐसे तो सब सही चल रहा है, बाकी अरे गड़बड़ गड़बड़ तो है ना, इतनी इतनी मन घूमते उमते हैं कंपनी में, बहुत तनख्वाह कम मिलता है, हैं और कंपनी में पैसा बहुत कम मिलता है, और उसका अब अभी घर कितना पढ़े इधर इधर आ जाओ, जितने कितने कितने पढ़े लिखे वो इंजीनियर हो तो क्या क्या कर रखा, पढ़े लिखे कितने हो आप? इंटर तक हम पढ़े हैं। क्या इंटर में और क्या क्या और कोई डिप्लोमा वगैरह कोई तकनीकी शिक्षा? अरे पढ़ लिख करके नौकरी मिलेगा तब तो आगे व्यवस्था होगा, जब पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिलेगा, 15 साल पढ़ लिख कर 15,000 की नौकरी जल्दी नहीं मिलता है। 15 साल पढ़ लिख कर 15,000 का नौकरी नहीं मिलता है, कितनी मुश्किल से 15,000 की नौकरी मिलता है। तो नौकरी होना चाहिए देश में। हाँ ये तो बात है। कौन सरकार कर सकती है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, कितने साल हैं अभी आपको? मेरा 20 साल हो रहा है। उससे पहले भी आप, इससे सरकार से पहले भी सरकारें आई थी, तो आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है और कौन अच्छा करेगा? वोट भी डालते हैं आप 2 साल से? वोट अभी तो वोट नहीं डाले हैं। वोट डालते नहीं हो? अभी मैंने भाई अभी तक डाले नहीं। रहने वाले हो? बिहार का वोटर कार्ड भी है? अभी तो वोटर आई कार्ड बनवाना। आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड है। अभी तक आपने आधार कार्ड बना रखा है? आधार कार्ड? हाँ। वोटर कार्ड क्यों नहीं बनाया? अरे नहीं बनवा, अब सोचे थे कि जाएंगे तो बनवा लेंगे। वो डालते हैं घर में और परिवार वाले डालते हैं? सब डालते हैं। तो अब क्या आपका आपकी बार क्या विचार है, किसको वोट डालेंगे, क्योंकि फिर आम चुनाव होने वाला है, देश के लिए सरकार नहीं चुननी है, प्रधानमंत्री बना रहा है, किसको बनाएंगे आप प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री, अब उस घड़ी टाइम आएगा, उस घड़ी देखेंगे। बातचीत चलती होगी ना आपस में, देखो इतने सारे लोग हैं तो बातचीत चलती होगी भाई। तो अभी तो अभी टाइम है, सोचेंगे, अभी तो 24 में होगा चुनाव ना, अभी 24 में टाइम है, उसको देखेंगे जैसा होगा वैसा। यहाँ के सही है, यहाँ फिर भी खोड़ा इधर सही है, इधर चोरी इधर बहुत कम हो रहा है, इधर चोरू इधर कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? चोरी कम हो रहा है, चोरू कम हो रहा है, कानून व्यवस्था ठीक है इधर, ठीक है, क्योंकि इधर उधर आते जाते तो पता चल रहा है, मैंने आते जाते तो पता चलता है इधर। हाँ माहौल सही है, हाँ इधर माहौल सही है खोड़ा में। देश में कैसा है माहौल, देश का कैसा है, क्या बोलते हैं पड़ोस में या फैक्ट्री में या दोस्त, क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? कौन चाहिए? मोदी 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 क्या? मोदी जी, मोदी 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 मोदी। पीएम कौन? चल मोदी, नरेंद्र मोदी जी। हाँ कौन चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी 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 रहेंगे, मोदी रहेंगे, मोदी रहेंगे और रहते हैं। आपको क्या समझ? जिस तरह से जो है ना गठबंधन तैयार हो रहा है विपक्ष का, वो कहते हैं कि मोदी जी को बाहर करना है, तो क्या लगता है? कोई भी पार्टी नहीं बाहर कर सकती, नहीं कर सकती। हाँ आपको कौन चाहिए, क्या नाम है? विशाल कुमार नाम है। क्या लगता है किसको प्रधानमंत्री कौन चाहिए 2024 में? मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। गठबंधन हो रहा है, सारा विपक्ष कहता है कि मोदी जी को बात, चक्रव्यूह रचने से चक्रव्यूह कोई तोड़ नहीं सकता है, कि विपक्ष का जैसे विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन मोदी जी को बाहर करने के लिए सब जो है इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ये बाहर कर सकेंगे? और प्रधानमंत्री के बराबर जो है ना प्रधानमंत्री कौन तैयार हो सकता है, कौन नेता बन सकता है इनका? इनका विपक्ष का ये तो भविष्य ही बता सकता है, कौन बनेगा? तो हमारे नज़र में कोई चेहरा वैसा नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री बने। गांधी, नीतीश कुमार? कोई नहीं, मोदी जी के आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो है लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या होने वाला है? और यूपी में जैसे कहते हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने सारा देश बेच दिया, पूरा को एक कंपनी को अडानी अम्बानी की बात करते हैं, अडानी को दे दिया है पूरा का, सब झूठा है, विपक्ष वाले सारे झूठे हैं, एकदम झूठे हैं,
ये इंडिया जो टीम बना रही है ना, टीम बना रही, सारे हार जाएंगे, सारे हार जाएंगे। नहीं है, ये देश के युवा जो है बेरोजगार पड़े हैं। कैसे रहा है, पूरे देश के लोग कैसे खा रहा है, सब कमा रहे हैं, देखिए सब ड्यूटी से जा रहे हैं, सब कमा के खा रहे हैं, अपना बाहुबल है ना, कमाओ खाओ, कंपनी खुला हुआ है, ये थोड़ी ना रोजगार नहीं है, बहाना बना दो, कितना रोजगार देगा, 140 करोड़ का रोजगार दे देगा, सब देगा। हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पाएगा। तो अब जिस तरह से मोदी जी के लिए बोलते हैं कि पूरा देश बेच दिया है, अडानी को बेच दिया है, कोई काम नहीं हो पा रहा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जाति धर्म की हार की खीस है, हार जाएगी ना विपक्ष वालों, इसकी खीस है, करेगा क्या, चारा तो कोई है नहीं, कोई चारा है। हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी पूरा जो है सो तेजस्वी के साथ गठबंधन कर लिया, पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है। सबसे ज़्यादा जो अगुवाई कर रहे हैं, सबसे पहले मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, बुलाई हो और जाएंगे 71 में, वो कभी जीतेंगे नहीं। एक भी आए थे नीतीश भी, हाँ नीतीश भी आए थे, हाँ ये प्रधानमंत्री बन सकते, प्रधानमंत्री के वो सोच रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, हाँ इसी की वजह से मैं बन नहीं पाएंगे, हाँ नहीं बन पाएंगे। कैसे हैं प्रधान मुख्यमंत्री, ठीक है वो वहाँ पर देखो हो रहा नहीं के, जब भी बीजेपी के साथ मिले हुए थे ना तब ठीक थे, अब नहीं है। तो बार बार क्यों पलटी मार देते हैं भाई लोग, पलटू चाचा है, पलटू राम है, पलटू राम है।